हुई है, क्या कहेंगे जगह जगह ईवीएम खराब की? मेरी लोगों से बात हो रही है और अभी तक करीबन 300 से ज़्यादा ईवीएम मशीनें खराब हो चुकी हैं, और ख़राब होने के साथ साथ सबसे बड़ी जो परेशानी की बात यह है कि जो ईवीएम्स ख़राब हुई हैं उन्हें अभी तक नहीं बदला गया है, और रामपुर में करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद भी 5 या 6% भी पोलिंग नहीं हो सकी है। कुछ बूथ तो ऐसे हैं जहाँ पर 40 ही वोट पड़ पाए हैं सिर्फ सुबह से अभी तक। कुछ बूथ ऐसे हैं जहाँ पर अफसर मशीनें ले गए हैं और ये कह रहे हैं कि बूथ 1 बजे के बाद शुरू होगा। पूरे शहर में दहशत का माहौल बना दिया है, कर्फ्यू लगा दिया है, गाड़ियों को चलने नहीं दिया जा रहा। लोग रिक्शा से, जिनके घर 4-4 किलोमीटर दूर हैं बूथ से, वो अगर रिक्शाओं से बूथ पर वोट डालने जा रहे हैं तो पुलिस उन्हें बंद कर रही है, रिक्शाओं को बंद कर रही है, उनके टायरों को काट रही है। किसकी कमी मानते हैं? ज़िला प्रशासन भाजपा का इलेक्शन लड़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा, ना पिछले 2 महीने में छोड़ी है और ना आज छोड़ी, और हम चुनाव आयोग से 2 महीने से कह रहे हैं कि ऐसे निष्पक्ष इलेक्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता निष्पक्ष इलेक्शन। मैं तमाम मीडिया वालों से, भाइयों से अपने कहूँगा कि जाइए और ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 300 ईवीएम मशीन ख़राब होना एक बहुत अलार्मिंग बात है, जानबूझकर पोलिंग परसेंटेज को कम किया जा रहा है, जानबूझकर। जनाब ये कहा जा रहा है।